तो गाइज आप लोगों ने पूछा था कि कैटरीना कैफ आपकी कौन लगती है, तो मैंने बताया भी था कि वो मेरी कजन सिस्टर है। इसके बावजूद भी आप लोग बोल रहे हो कि आप उससे ज्यादा सुंदर हो। तो गाइज क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बोलो क्या करूँ। तो गाइज क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बोलो क्या करूँ। मैं करीना से भी गोरी, कैटरीना से भी गोरी, मेरे आगे। तो देखा आप लोगों ने, ये है भोसड़ी के भागलपुर के आदर्श, इन्होंने लड़की की भी माँ छोड़ दी। ये ऐसी वीडियो बना रहे हैं, मतलब ये भोसड़ी के इतने फेमस है, इतना इनका नाम है, पर ये मादर छोट ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को क्या बहन छोट बॉलीवुड में जगह मिलेगी? ना ये भोसड़ी के एक्टिंग इनकी सही है, ना ही इनकी कॉमेडी सही है। इनका बस ना चले तो ये चड्डी और ब्रॉ भी पहन के बहन छोट ये वीडियो बना ले अपने आप को फेमस करने के चक्कर में। इसलिए मेरी झाटे लाल होती है, मैं ऐसे लोगों के लौड़े लगाता हूँ, चाहे वो आदर्श हो या कोई भी यूट्यूब का बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, या टिकटॉक का कोई सा टॉपर स्टार क्यों ना हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का भोसड़ी का किंग क्यों ना हो, मैं लौड़े सबके लाइन से लगाता हूँ। ये नहीं देखता हूँ इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो बड़े बड़ा आगे बढ़ाने वाले हम जैसे लोग हैं जो अपनी गांड मरा के इन लोग को आगे बढ़ाते हैं। तो हमको तो कोई भोसड़ी का लाइक्स नहीं करेगा, हम तो अभी यूट्यूब पे आ रहे, तो लोगों के लौड़े लगा रहे, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये है रियल बंदा जो सच्चाई बोलता है। अरे बहन छोड़ो, अच्छे अच्छे टैलेंट वाले बैठे हैं, इनको आगे बढ़ाओ। ये क्या ब्यूटी खान, मादर चोट, ड्रीम गर्ल, वो लिटिल दानिश, और ये बहन छोड़, ये आदर्श भोसड़ी का छाटू भड़वा, और भी कुछ ऐसे टिकटॉक के चूतिया स्टार हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो बहनचोद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इनके नाम नहीं खत्म होंगे। आधे से ज्यादा टिकटॉकर इंस्टा पे आके गांड मरा रहे हैं, क्योंकि हर सोशल मीडिया वालों को यही सब झाटू लोग दिखते हैं, यही सब भड़वे दिखते हैं। हम जैसे लोग नहीं दिखेंगे, हम खाली एक ही बार फेमस हुए थे टिकटॉक पे, वो भी हमारी वाली वीडियो क्या पता कैसे वायरल हो गई थी, क्योंकि हमने उस लड़की को रिप्लाई दिया था। वो लड़की का नाम है सबको पागल, कुरला की रहती है, चर्सी है वो, और उसका एक ही डायलॉग था, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, एक शायरी बोल रही हूँ, आप लोग लाइक मत करना मगर दिल लगा के सुनना। तो मैंने उसका रिप्लाई ये दिया था, वालेकुम अस्सलाम, दिल से कोई नहीं सुनता, सब कानों से सुनते हैं, और जरा वीडियो में हिला कम कर, हर वीडियो में हिलती है, खुदा हाफिज दुआ में याद रखना। तो उसका हिलना पब्लिक को पसंद नहीं था, हर वीडियो में हिलती थी, मैंने पब्लिक का गिला शिकवा दूर कर दिया, उसको मैंने टिकटॉक से ही भगा दिया। उसकी वीडियो में मैं इतना फेमस हो गया तो कि मुझे 10 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए थे, और करीब मिलियन से 11 या 12 मिलियन मुझे लाइक्स मिले थे एक घंटे के अंदर, रातों रात वायरल हुआ था, पूरे टिकटॉक को मैंने हिला डाला था, पूरा हिला डाला ना। तो मुझे यही वीडियो के वजह से अच्छा नाम मिला था, और आज भी लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बिंदास सबके लौड़े लगाता हूँ, क्योंकि पब्लिक को चाहिए सच्चाई, और जो सच बोलता है वो हमेशा आगे जाता है, जैसे अपना एमवीए बनता है दानिश जैन है। कुछ लोग हैं जो लोग ने अकेले वन मैन आर्मी मेहनत की है, किसी का सपोर्ट नहीं किया, ना कोई टीम लेके आया, जैसे बेंचो दिए एक है ना 07 टीम, अदनान भड़वा, और कौन, हाँ अदनान भड़वा नहीं, सॉरी अदनान भड़वा, बंदर, फैजू, हसनैन, ये सब जो झाटू लोग दानिश जैन से जल जल के तो आगे बढ़े। अगर वो बंदा आज जिंदा होता, फैम्ब्रो आर्मी, मेरा भाई दानिश जैन, तो ये सब जो झाटू लोग ना उसके टांगों के नीचे रहते, यहाँ इस पैरों के नीचे रहते। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को सिलेक्ट करो, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओ, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को लाइक करो, बस इसी में मुझे खुशी मिलेगी, और मैं खुश रहूँगा तो आप सब खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आपसे अल्लाह खुश रहेगा। तो इसलिए बोलता हूँ खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, जय हिंद जय भारत, चलता हूँ पब्लिक।